भी नहीं दूंगा ये या फिर से यू ठीक मैं कभी नहीं सोचूंगा ये बिजनेस करूंगा थक गए नो नो एक्चुअली आई चोज टू बी बीएस ओनली आई हैड नो सेकंड ऑप्शन रादर देन टेकिंग एमबीबीएस आई गॉट फर्स्ट आई टुक फर्स्ट ऑप्शन एज बीडीएस एंड आई केम हियर फाइनली बीडीएस पढ़ती এখন বিজনেস করতে ভালোই লাগছে তো আই ফিল লাইক দেয়ার ইজ মাচ মোর স্কোপ বিফোর কামিং হিয়ার আই ফিল লাইক এমবিবিএস তো বহুত সারা লোক করতে বাট দেন বিজনেস ওয়াজ আনএক্সপ্লোরড সাবজেক্ট ফর মি হ্যাঁ মানে তিন মহিনে তো বিজনেস ক্লাস নেই করতে থাকি কিন্তু মুখে পছন্দ নেই বিজনেস করার দিস ইজ মাই ফার্স্ট ট্রাই এন্ড আই হ্যাঁ বহু কোশিশ কর রা থা ইস বার তো জয়েন নেই হুয়া ইসলিয়ে নেই দে পাউঙ্গা মুখে এমবিবিএস বহুত পছন্দ থা और उसके लिए मैं दो साल से मुझे बार बार दो साल से मुझे बी डी एस ही मिला था मैंने नहीं लिया था ड्रॉप किया था नहीं बिल्कुल नहीं आई एम नॉट रिग्रेटिंग माय डिसीजन रादर आई एम लविंग इट द मोर आई एम रीडिंग द मोर आई एम लविंग द सब्जेक्ट लेकिन अब मुझे बी डी एस करके अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली आई गाइड एक्चुअली आई गॉट डेंटल बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी बट देन यहाँ आकर पता चला कि बहुत सारा लोग हैं बी डी एस करने वाले बट देन देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप इफ वी कंटिन्यू विद इट ना देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप हियर एक्चुअली माय plan was not to do dental but like I wanted to do MBBS next year nahi aur nahi chahiye year loss ho raha hai this college nahi ha bahut but nahi but pura bahut innovation hai usko samajhna padega late time lag raha hai आपसे थोड़ा है जो अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा है 12 11 में उसको अच्छा ही लगेगा फ्रेंड्स हाँ क्लासेस बहुत कम होते थे फर्स्ट ईयर को ही मिस कर रहा हूँ मेरे लिए तो थर्ड ईयर बहुत मस्ती वाला साल सब एक साथ रहते थे ज़्यादा मस्ती होता था फर्स्ट ईयर में मस्ती ज़्यादा होता है जो काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो रहता था स्कूल टाइम में फन एक्टिविटीज हमारे कॉलेज में थोड़ा कम है आई मिस दोस थिंग्स जो एडवेंचरस ट्रिप्स वगैरह होता है फाइनल ईयर तक उठते जाओगे ना तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कम होता जाएगा ठीक है लेकिन फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिलता था एक चीज़ है कि यहाँ कंटिन्यूसली क्लास होता उसमें वैसा होता नहीं था और फर्स्ट ईयर में घर जाया ज़्यादा जाया करता था और फर्स्ट ईयर को मिस करता हर कोई मिस करता है पहला पहला प्यार मिस होता है तो पहला पहला क्लास भी मिस होता है बिग वे में स्पोर्ट्स वगैरह होता था हमारे कॉलेज में थोड़ा कम है आई मिस दोस थिंग्स और एल्स इट्स गुड ओनली लेकर पढ़ते थे सब एक साथ तो बहुत मस्ती करते थे फर्स्ट ईयर में सीनियर लोग का एक डर रहता था ये कभी पकड़ लेगा वो कभी पकड़ लेगा लेकिन थर्ड ईयर एकदम बिंदास ईयर जो चांद चाह करना है करो कोई नहीं कुछ नहीं करेगा पढ़ाई का इतना भी लोड नहीं है घूम फिरो घूमो फिरो मूवीज देखो दोस्तों के साथ जो चाहे करो कोई कुछ नहीं करेगा फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स बढ़ाते ही है लेकिन सेकेंड ईयर में इतना प्रेशर आ गया था फाइनल ईयर तो हे भगवान कैसे आएगा और कैसे मैं पास करूँगी पढ़ना नहीं पड़ता है पढ़ना नहीं पड़ता है एक तो ये है कब पढ़ना पड़ता है being a dentist to school because I'll be the only dentist in my area और बहुत मस्ती कर सकता है and this gives me more money and less tension and I will not get night calls instead I'll be free and I'll be seeing patients when I want plus यहाँ काम ज़्यादा करना पड़ता है थ्योरी का और यहाँ बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:2 रहता है हमें ये सबसे बड़ा कूल पॉइंट है सबसे पहले पढ़ के ही पास कर जाएगा बस और क्या है गर्ल्स को बोल गर्ल्स को बोल प्लीज टू बोल ना देख लेडीज का सबसे ज्यादा पैशन है लड़की बहुत सारा लड़की मिलेगा कूल है व्हाई बीन डेंटिस्ट इज सो कूल द डेंटिस्ट इज द अपकमिंग थिंग इन इंडियन हेल्थ केयर मोरओवर इट्स ऑल रिलेटेड टू द अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग व्हेनेवर यू सी एनीवन एनी पर्सन यू द फर्स्ट थिंग यू सी यू गेट द फेस And you know, it has teeth and all, and when they smile, our dentistry has its own swag. It's a cool thing, you know. Second year, we have to subject. टफेस्ट सब्जेक्ट तो प्यार लगा है मतलब मैं डरता हूँ डेंटल मिट्टी पैथोलॉजी में क्लास में पढ़ाते नहीं है अच्छे से तो कुछ को ही पढ़ना पड़ता है इसलिए टफ तो ना लगता टफेस्ट मतलब तो कुछ नहीं है पढ़ोगे तो सब इजी लगेगा डेंटल मटेरियल जब खुलता है मैं सोच के
के यही सोच के बैठता हूँ कि मैं आज डेंटल मटेरियल पूरा ख़त्म करके छोड़ूँ। नहीं, जब भी खुलता हूँ तो एक दो वर्ड्स पढ़ने के बाद ही मेरा तो एकदम पसीना छूट जाता है, मैं बंद करके रख देता हूँ। फार्मा ही टफ है क्योंकि फार्मा बहुत फास्ट है। डीएम का नाम सुनते ही ये पसीना आ गया। टफेस्ट तो एनाटॉमी लगता था मुझे। फार्माकोलॉजी एनाटॉमी सबसे इंटरेस्टिंग भी था। अगर तुम मतलब वो था कि रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए था उसके लिए, हमेशा याद रखना चाहिए, रेगुलर रिवीजन। नहीं अभी एक्सपेक्टेशन तो एक ही है, जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में अच्छे से लड़के आएंगे उसको पढ़ाएंगे। According to the people, person, a person seeing you in a white coat always calls you a doctor. But then at the time, at the same time, some MBBS student or a teacher sees you to dentist bulate. ये तो लोगों का अलग-अलग perspective होता है. Like some people are like, oh, हाँ थोड़ा मार doctor. Like जो थोड़ा मार की नाक निकलता है. And to them, my behavior is the same. Okay, okay, fuck off. But then कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो ऐसे होते हैं कि oh, like fine, you are a specialist. Like you specialize. वैसे तो मैं अपने आप को डॉक्टर ही देखता हूँ। लोग अलग अलग तरह तरह के लोग हैं, कोई इसको डेंटिस्ट बोलते हैं, कोई डॉक्टर बोलते हैं, ट्रीट भी उसी तरह से डिपेंड है। कोई जो डेंटिस्ट बोलते हैं उनका ट्रीट थोड़ा सा इसको लो समझते हैं, और जो डॉक्टर बोलते हैं उनका सोच थोड़ा ऊपर है। ये चीज़ का इस कोर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, जैसे जो थोड़े एडुकेटेड हैं वो लोगों से अगर ट्रेन पे भी बात होती है तो वो इस कोर्स के बारे में जानते हैं अच्छे से, वो डॉक्टर ही मानते हैं। पर जो लोग थोड़े अनएडुकेटेड या रिच बैकग्राउंड से होते हैं पर उतनी एडुकेशन उनकी नहीं है, जिनको ये बात समझ नहीं आती PDS का मतलब, वो नहीं समझते, वो डॉक्टर अलग बोलते हैं और फिर थोड़ा नीचा दिखाने के लिए कि दांत के अगर पहली बार आए तो डॉक्टर क्या आएगा, कोई दूसरा डॉक्टर मेरे को रेफर कर तो डेंटिस्ट बोलेगा। मैक्सिमम तो डेंटिस्ट का है, लेकिन कुछ परसेंट तो डॉक्टर भी बोलते हैं। देखो डेंटिस्ट आर डॉक्टर्स, बट कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि डेंटिस्ट जो है वो डॉक्टर, डेंटिस्ट जो होता है ना उन लोगों को डॉक्टर्स के डॉक्टर्स कहने में कुछ लोग हिचकिचाते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे होम टाउन में कौन से कॉलेज में पढ़ते हो डॉक्टर और डेंटिस्ट नहीं, MBBS में लाना चाहिए था, नहीं मैं तो डेंटिस्ट में डेंटिस्ट होकर क्या करें। ऐसे लोग ताने मारते हैं कुछ, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि MBBS और PDS दोनों ही एक पैरेलल सब्जेक्ट है, एलोपैथी मेडिसिन का मॉडर्न मेडिसिन का दोनों पैरेलल विंग्स है, ठीक है, तो दोनों को समान रेस्पेक्ट देना चाहिए। अब वो तो हूँ, आप लोग तो बोलेंगे और बेंगोली में तो दादे डॉक्टर बोलते हैं। ऐसे पूछते हैं घर गए मुझे, बेटा क्या कर रहे हो, तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या डेंटिस्ट? ओ अच्छा, दांत वाला, दांत का डॉक्टर। उस टाइम बहुत फीलिंग आती है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, जो है वो प्रोफेसर बोल रहा हूँ, सामने डॉक्टर तो है, डॉक्टर ही बोलता है कुछ ना समझ, डेंटिस्ट बोलता है। जो हमारा पड़ोसी का जो जानता है सब अच्छे बोल रहा है, कोई कोई बात बोलता है जो बेस पर आरोप वालों जो सेकंड PDS होता है, ठीक है। मोस्ट एक्चुअली उन लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लाइक हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ हम लोग भी जानते हैं कि वी आर डेंटिस्ट, मोर ऑफ अ डेंटिस्ट एंड अ डॉक्टर, बट लोग बोले तो बट दे डोंट नो व्हाट इज देयर एग्जैक्टली। या लॉट ऑफ कॉमन पीपल डोंट नो अबाउट आवर कॉलेज, दे से ओह
some people like they say, oh, it's a very good college. And some people, the one who are already doctors. Some doctors also say that, yes, this feels good. Yes, it's a very good college. We heard this from doctors and all, not from general people. And the college is one of the best. As college, yes, I agree. लोगों पे डिपेंड करता है, लोग जैसे चेक करें, वैसे तो बहुत सारे लोग डॉक्टर, कोई बहुत सारे लोग ऐसे तो देखो अभी तो मैं जैसे डॉक्टर नहीं हुआ हूँ ना डेंटिस्ट हुआ हूँ, लेकिन डेंटिस्ट ही पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग डॉक्टर होते हैं. सरप्राइज हर दिन सरप्राइज मिलता है मुझे. जैसे ही मैं प्रोस्टो में घुसता हूँ आज पता चलता है कि आज रिटेनर बनाना है, आज कास्ट बनाना है. लगता है क्या ये क्या है, वो तो मेरे लिए सरप्राइज होता है. मैंने ज़िंदगी में आज तक मैथन का काम नहीं किया. वो भी सबसे बड़ा सरप्राइज तो मुझे तब लगा जब एक लकड़ी का हैमर मिला, उसको लोग मैलेट बोलते हैं. मुझे लगा कि साला ये क्या है, क्या रे वो तो हैमर ही है लेकिन काम भी सेम है, ठक ठक ठोकना, लेकिन उसको मैलेट बोलते हैं. सरप्राइज एक बाउल है, अब बाउल लोग उसको मैनिपुलेट करके बॉल बॉल बोलते हैं. मुझे लगा कि साला ये बॉल है, बाउल है, ये तो बाउल ही है, उसमें वही काम होता है. सरप्राइज तो हर एक दिन मिलते हैं. वीडियोस कोर्स उसको लेना चाहिए जो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखता हो, जो इसका हाथ से हो, मतलब आर्टिस्ट हो, उसके लिए ज़्यादा अच्छा है वीडियोस कोर्स. नहीं तो नॉर्मली वीडियोस करना रियली टफ वर्क है. Earlier than MBBS.
बहुत ऐसा काम है जो अपने से मतलब सेल्फ क्रिएटिविटी बहुत चाहिए। अगर क्रिएटिविटी ना हो थोड़ा तो थोड़ा से टफ है, मतलब कि फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं चलता, लेकिन सेकेंड ईयर में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जैसे प्रोसेसर में या कंजर्वेटिव में रियली थोड़ा थोड़ा से टफ है। BDS is a specialization like people after MBBS do ophthalmology, cardiology and all, and I think after MBBS we are doing plastic surgery. वैसे तो हम लोग के यहाँ पे इंडिया में तो मतलब थोड़ा आर्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तो मतलब 11 डिपार्टमेंट है, ठीक है, डेंटल मटेरियल करके भी एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे तुम इसमें तुम अगर उस फील्ड में भी जा सकते हो, तुम बी डी एस करके अपना मतलब डेंटल मटेरियल्स में भी मतलब जा सकते हो, डेंटल मटेरियल जैसे मैनुफैक्चरिंग जो होती है कंपनी होती है उसमें भी जा सकते हो, ठीक है, और बहुत कुछ होता है। आई कैन सरप्राइज यू दैट इन डेंटिस्ट्री ना यू डोंट नीड टू स्टडी, you can enjoy your work, that's the most interesting thing about dentistry. You don't need to study at all, but being a medical student everyone thinks oh he's so studious, oh, he studies so much hours and all, but according to me dentistry is something which is other than study. You can do everything you want other than study, you can excel in your life without study. So this is one of the profession according to me is one of the best profession for me. Tum padhai nahi karo to bhi chalega, lekin bhi kar sakte ho, lekin should know the art of dentistry. तुम पढ़ाई में अच्छा हो, ऑनर्स मिलता है कि नहीं मिलता है, सपने मिलता है, कोई नहीं देगा, तुम जब प्रैक्टिस करने जाओगे बस देखेगा तुम कैसे तुम्हारा आर्ट हाथ का क्या है। जो मैंने जो वर्ड है ना मैंने जो मैनेज करना डेंटिस्ट्री में बहुत अच्छा है। पहले जो थे डेंटल सर्जन डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते थे, ठीक है, हाल ही में एक या दो साल के अंदर ही गैजेट पास हुआ है कि डेंटल सर्जन भी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, वो आपके जो पेशेंट मरेगा जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिस पेशेंट का, वो आपके अंडर ट्रीटमेंट कर रहा हो ऐसे पेशेंट को ही आप कर सकते हैं, और आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल में वो ये ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके फ़ायदे होगा मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है उन लोगों को ये फ़ायदा देगा, क्योंकि आमतौर पर डेंटल सर्जन को पेशेंट मरने का केसेस इतना ज़्यादा आता नहीं है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन को बहुत फायदा होगा। आई थिंक इट इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी फॉर पीपल फॉर एवरीवन, बिकॉज टीथ इज़ अ सब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर ईच पर्सन, बिकॉज फॉर अदर डिजीजेज लाइक हार्ट फेलियर एंड ऑल देयर इज़ अ क्योर इन अदर फील्ड्स ऑल्सो लाइक आयुर्वेदा एंड but Ayurveda and Homeopathy. But for dental pain, you have to consult a dentist only. There is no other alternative. BDS, हो गया। हाँ, तुम कौन? अरे हम प्रशांत कुमार से बोल रहे हैं। प्रशांत का एक्सीडेंट हो गया है, उसका पीटल में तुम्हारा नंबर देखा।